कोविड के बाद शहर में अस्पतालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए फायर विभाग अस्पताल की जो है चेकिंग करेंगे, वहीं आग से निपटने के इंतजामों को परखेंगे। बता दें कि शहर में कुछ अस्पताल बिना फायर एनओसी के चल रहे हैं, जिसमें कई होटल भी शामिल है। बता दें कि कोविड-19 के बाद जो है शहर में अस्पतालों की संख्या लगातार बढ़ गई है। लखनऊ की बात करें तो यहां पर भी अस्पतालों की संख्या बढ़ गई है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए फायर विभाग अस्पताल की चेकिंग करेंगे और आग से निपटने के इंतजामों को भी परखा जाएगा। बता दें कि शहर में कुछ अस्पताल जो है बिना फायर एनओसी के चल रहे हैं, जो पूरी तरीके से गलत है। और अब खुद फायर ब्रिगेड ने इस चीज़ की जिम्मेदारी ले ली है कि वो खुद ही जांच करके और पूरे अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। और साथ ही सिर्फ अस्पताल ही नहीं, इनमें कई होटल भी शामिल हैं, जहां ये देखा जाएगा कि वहां फायर को लेकर जो है सुविधाएं रखी गई है या नहीं। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां एक बड़ा कदम कह सकते हैं, एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा, जहां खुद अब फायर ब्रिगेड की टीम ही अस्पतालों में जाकर चेकिंग करेगी कि यहां पर जो है फायर को लेकर पुख्ता इंतजाम है या नहीं। बता दें कि आए दिन हमें सुनने को मिलता है कि अस्पतालों में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई या किसी भी कारण से आग लग गई। तो अब इसी के साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लखनऊ से हमारे साथ अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, एक बड़ा कदम उठाया गया है लखनऊ में, अब फायर ब्रिगेड की टीम जो है खुद ही अस्पतालों में जाके ये चेक करेगी कि वहां पर आग से निपटने के पुख्ता इंतजाम है, व्यवस्थित इंतजाम है या नहीं। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, लगातार उत्तर प्रदेश सहित आप कह सकते हैं कि लखनऊ में जिस तरीके से लिवाना अग्निकांड हुआ था, उसके बाद एक निजी होटलों में जिस तरीके से आग लगने के बाद तमाम लोगों की, जो आपने देखा होगा लिवाना हत्याकांड में 5 लोगों की मौत हुई, उसके बाद तमाम कह सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की टीम लगातार जो है, चाहे अपार्टमेंट हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे बिल्डिंग हो, वहां पर जो है चेकिंग अभियान कर रहे थे। तो वहीं आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी यानी सिविल हॉस्पिटल, जो कि सबसे चर्चित हॉस्पिटल है और यहाँ से महज चंद कदमों की दूरी पर मुख्यमंत्री कार्यालय है, तो लगातार चाहे स्वास्थ्य मंत्री की बात करें, ब्रजेश पाठक, आपने देखा होगा कि लगातार अस्पतालों में जाकर वहाँ पर भ्रमण करते हैं। तो ऐसे में आज जब फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर जब पहुँचती है और चेकिंग करती है, तो उसमें कई कह सकते हैं तमाम तरीके की खामियां नजर आती हैं, जिसमें कह सकते हैं कि एनओसी की अगर बात करें तो यहाँ पर अस्पतालों में एनओसी तक नहीं थी, तो जिसके बाद तमाम तरीके से जो है आरोप प्रत्यारोप जो बात सामने निकल कर रही, तो डायरेक्टर का बयान आया कि 2017 में हमने एनओसी के लिए यहाँ पर अप्लाई किया था, लेकिन अभी तक जो अधिकारी है वो अभी तक एनओसी नहीं जारी किया। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो सिविल हॉस्पिटल है वो बहुत चर्चित हॉस्पिटल है, प्रत्येक के तमाम जनपदों से यहाँ पर जो लोग यहाँ पर इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं, तो ऐसे में इतनी बड़ी लापरवाही जो है बरती जा रही, तो कहीं ना कहीं एक चर्च का विषय है। जी बिल्कुल, और हमने कई बार ऐसा भी देखा, जैसे कि आपने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया कि ये जांच जो हो चुकी है, और अक्सर क्या होता है ना कि जब भी जांच होती है, जांच में इस तरह की बातें पाई जाती है, तो इस प्रकार के बहाने बना दिए जाते हैं कि हमने अप्लाई किया था, हमें एनओसी नहीं मिला, और अक्सर जांच के बाद ये बातें सामने आती है। तो अब ये कितना एक्टिवली अब इन पे, क्योंकि अब खुद फायर ब्रिगेड की टीम आ गई है जांच करने, तो अब ये कितने दिनों में यहाँ पे सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। देखिए, मैंने जिस अस्पताल की बात की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल हॉस्पिटल, वो मुख्यमंत्री आवास से महज 200 मीटर की दूरी पर है, तो इतने बड़े सरकारी हॉस्पिटल में अगर इस तरीके की अव्यवस्था होती है, यानी कि ये कह सकते हैं कि तमाम जनपदों से जो मरीज आते हैं उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, फायर ब्रिगेड के जो उपकरण है वो जब चेक करने के लिए पहुंचते तो वहां पर वो उसके मानक पूरे नहीं होते, यहाँ तक कि एनओसी नहीं होती, तो ऐसे में कह सकते हैं मरीजों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। जी, तो अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कितने दिनों में यहाँ पर जो है फायर से बचाव के लिए उपकरण यहाँ पे आ जाएंगे, एनओसी नहीं मिल जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लखनऊ से हमने आपको खबर बताई, जहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम ने अब खुद जिम्मा उठा लिया है अस्पताल में जाने का, यहाँ तक कि होटलों में भी जाने का, और ये देखने का कि वहाँ पर आग से बचाव के पुख्ता इंतजाम है या नहीं।